हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिश ट्यूशन। मैं राहुल कुमार। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एसयू में चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोस टू बॉल्स ए एंड बी। कोई पर्सन जो है कोई बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है और वो दो बॉल को प्रोजेक्ट करता है ए एंड बी। दो बॉल ए एंड बी को प्रोजेक्ट करता है। द बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। ए बॉल को वो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करता है, वर्टिकली अपवर्ड, और बी बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। विथ द सेम स्पीड, मान लिया अगर इसका स्पीड यू है तो इसका स्पीड भी यू है, सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करता है, लाइक दिस। क्लियर है? नाउ द बॉल ए हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड वी ए एंड द बॉल बी हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड वी बी। वी है रिलेशन निकालना है, ऑब्वियस है। वी और वी बी में क्या होगा, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा या बराबर होगा। तो ए, ये जो बॉल है, मान लेते ये ए बॉल है, ये क्या होगा, जब आप इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कुछ उस तरह से हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद मोमेंटरीली एक क्षण के लिए इसका स्पीड यहाँ पर जीरो होता है और उसके बाद ये वापस फिर इस तरह से ग्राउंड को हिट करेगा। मान लेते ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया। क्लियर है? तो ए बॉल जो है ये कितना स्पीड से हिट कर रहा है, वी ए, वी ए, वी ए स्पीड से ग्राउंड को हिट किया। और बी, ये बी बॉल है आपका, बी बॉल जो है, ये ए बॉल था, ये बी बॉल जो है ये ग्राउंड को कितना स्पीड से हिट किया, वी बी, वी बी स्पीड से। तो हम लोगों से रिलेशन पूछा जा रहा है कि वी ए और वी बी में क्या रिलेशन होगा, क्या दोनों बराबर होंगे या कोई बड़ा या छोटा होगा। स्टूडेंट, इसे बहुत तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड अगर हम देखें जो कि आप बिना पेन की सहायता से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत आसानी से, समझिए, ये दोनों स्पीड बराबर होगा, वी और वी बी दोनों स्पीड बराबर होगा। कैसे? आप जैसे ही इसे सपोज कीजिए कि 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आप इसको ऊपर की ओर फेंकते हैं, ए बॉल को, बी को भी 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आप नीचे की ओर फेंकते हैं। क्या होगा कि ए बॉल जो है वापस ये ऊपर जाएगा, धीरे धीरे इसका स्पीड घटता चला जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसका वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगते रहेगा कंटिन्यूस पे, जिसके चलते इसका स्पीड घटते चला जाएगा, घटते घटते जीरो होगा एक क्षण के लिए और फिर ये वापस नीचे की ओर आना शुरू होगा। ये जब वापस 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसको ऊपर की ओर फेंके थे, वापस जब ये ए बॉल जो है यहां पर पहुंचेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से फेंका गया था, तो यहां पर आने के बाद इसका स्पीड जो है वापस फिर से 50 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड ही। जितना स्पीड से आप इसको फेंके ए बॉल को ऊपर जाकर, फिर जब ये लौटेगा तो यहां पर इसका स्पीड नीचे की ओर, ऑब्वियस है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड उतना ही फिर हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा। क्लियर है? कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या है, इसका स्पीड घट कैसे रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, ये मतलब इसका कहने का मतलब है कि हर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का मतलब होता है कि स्पीड जो है हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड घटता चला जाएगा, हर सेकेंड जो है 10 मीटर पर सेकेंड घटता चला जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? तो यही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इतना ही वैल्यू इस 50 मीटर पर सेकेंड को घटाते घटाते जीरो बनाया और फिर वापस जब जीरो के बाद ये फिर जब यहां पे आएगा तो यही एक्सेलरेशन यहां आते आते, चूंकि उसी रेट से फिर से यहां से स्पीड बढ़ना शुरू होगा, जिस रेट से स्पीड यहां से घटते घटते जीरो हुआ उसी रेट से स्पीड जो यहां से बढ़ते बढ़ते फिर जब यहां आएगा तो ऑब्वियस है फिर 50 हो जाएगा, चूंकि सेम रेट से यहां से यहां गया तो उसी रेट से घटा और यहां से यहां आने के क्रम में भी उसी रेट से बढ़ गया। क्लियर है? तो क्या होगा, यहां पर आने के बाद इसका स्पीड फिर से 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस चीज को आप मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? और बी को भी क्या हुआ था, यहां पर आप ध्यान दीजिए तो दोनों का सिचुएशन अब सेम है, बी को भी आप 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर फेंके थे, ए भी इतना घूम कर आया, यहां पर इसका भी 50 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो अब देखिए दोनों सिचुएशन सेम हो चुका है, अंतर बस ये है ए जो इतना घूम कर आया, ठीक है ना, उसके पहले बी यहां से आगे बढ़ चुका था लेकिन सिचुएशन यहां पर आके सेम हो गया। हम कह सकते हैं कि फाइनली यहां से घूम के आने का ए को भी यहां से 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर फेंका गया और बी को भी उतना ही स्पीड से नीचे की ओर फेंका गया था, तो ऑब्वियस है यहां पर आने का दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, मतलब वी ए बराबर वी बी हो जाएगा।
क्लियर है स्टूडेंट। मतलब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसका आंसर तो हो गया सी फिलहाल अभी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी बॉल को आप वर्टिकल या अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है, काफी डिटेल से इन चीजों को पढ़ना भी है वहां पर, तो सेम लेवल में जितना स्पीड बॉल का ऊपर जाते समय होगा उतना ही स्पीड बॉल का नीचे की ओर आते समय होगा। और इसका रीजन वही है, चूंकि बॉल के स्पीड को जो चेंज कर रहा है एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू सेम है। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो रेट का जो चेंज जो हो रहा है, ऊपर जाते समय भी उसी रेट से वो चेंज हो रहा था, फिर नीचे आते समय भी उसी रेट से वो बढ़ रहा था, ऊपर जाते समय उसी रेट से घटा, नीचे आते समय उसी रेट से बढ़ा। नतीजा क्या हुआ कि यहां से यहां जाने के क्रम में फिर यहां से आते आते फिर उतना ही स्पीड यहां पे हो जाएगा। क्लियर बात है? तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। क्लियर है स्टूडेंट? ये तो पहला मेथड था जिससे आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है स्टूडेंट, जो जनरल ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग नॉर्मली जो इक्वेशन हमारे पास होते हैं तीन इक्वेशन, उसकी सहायता से मैक्सिमम स्टूडेंट जिसे जो उसका यूज करके सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि अब हम लोगों को डिसाइड करना है, सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है, दो बॉल को फेंका गया है, बी को, एक को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, बी को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के स्पीड में क्या रिलेशन होगा। तो जो जनरल तरीका हम लोग एडॉप्ट करते हैं, जो यूज करते हैं, तो फाइनल स्पीड में हम लोगों को रिलेशन निकालना है। तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास होते हैं, ऑब्वियस है मोशन अलोंग या स्ट्रेट लाइन हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम उन सारे इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं यहाँ पर, पहला चीज। दूसरा चीज कि अब कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो ऑब्वियस है इनिशियल स्पीड दोनों का बराबर है, फाइनल स्पीड में रिलेशन निकालना है, फाइनल स्पीड में रिलेशन निकालना है, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है। मान लेते हैं ये हाइट जो है ये h है, तो ऑब्वियस है फाइनली हमारे लिए सुटेबल होगा हम इस इक्वेशन को यूज करें, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन हम डिसाइड कर लें कि ये इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, अगर जनरल तरीके की बात करें तो उसमें भी बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम नॉर्मली याद रखते हैं कि जब ऊपर जाएंगे तो वी बराबर यू माइनस जी टी, ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, नीचे जाएंगे तो वी बराबर यू प्लस जी टी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये सब एक तरीका है। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि भाई यहाँ से ए का जो स्पीड है यहाँ से पहले यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया तो उसमें उसको क्या टाइम लगा या यहाँ पे आने का क्या स्पीड हुआ, लाइक दिस, उसके लिए एक अलग इक्वेशन यूज करेंगे, फिर ए के लिए ही सेम ए के लिए फिर यहाँ से यहाँ के लिए फिर दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे, वो भी एक तरीका हुआ, लेंथी प्रोसेस हुआ, ठीक है ना। तो इस इन सभी चीज़ों में क्या होता है कि थोड़ा सा एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और दूसरा कन्फ्यूजन भी होता है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी होगा कि भाई कहाँ प्लस करें यूज, कहाँ पे माइनस करें यूज, अगर एक साथ हम यूज करना चाहें तो फिर किस तरह से इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो एक जनरल तरीका आपको हम बता रहे हैं इस तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए, कुछ नहीं आपको करना है, आपने जैसे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में ये तीन जो बेसिक इक्वेशन पढ़ा, इसके अलावा वी बराबर यू प्लस एटी और एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आपको उसी इक्वेशन को यूज करना है, बस साइन को ध्यान में रखना है, साइन को ध्यान में रखना है। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेना है, वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेना है, एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेना है, एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेना है। इस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे, वो तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो होगा अकॉर्डिंगली हम ले लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे, यहाँ से आपका बहुत ही क्लियर होगा। अगर हम ए के लिए बात करें, फॉर ए, ए के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, ए के लिए अगर हम बात करना चाहें तो फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड ए का जो है वी ए है, वी ए इज द फाइनल स्पीड, और वी ए क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए फाइनल स्पीड हम लिख रहे हैं ए के लिए तो माइनस वी ए, फाइनल स्पीड भी क्या हो गया माइनस वी ए के लिए, क्लियर है। नाउ इनिशियल स्पीड ए के लिए, इनिशियल स्पीड ए का इनिशियल स्पीड यू है, वर्टिकल या अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो दिस इज यू, इनिशियल स्पीड यू रह गया, क्लियर है। नाउ प्लस टू, प्लस फॉर्मूला के हिसाब से प्लस टू ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जी, क्लियर है। तो ये क्या ले लेंगे माइनस जी, क्लियर है।
और इस आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ए जो है यहां से घूमकर फिर यहां फाइनली यहां पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया एच, लेकिन क्या हो गया नेगेटिव माइनस एच। ऑब्वियस है हम यहां पर मान रहे हैं दिस इज योर ओरिजिन, यहां पे हम ओरिजिन मान रहे हैं यहां से, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया माइनस एच, माइनस एच, तो माइनस एच आप देख सकते हैं लेना माइनस एच। तो ए के लिए जो फाइनल आपका जो स्पीड है विच इज बी ए, ये कितना आ गया बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। चलिए पहला ये इक्वेशन इसे मान लेते हैं, ए के लिए हमारा था, बी के लिए देखते हैं, बी के लिए उसी तरह अगेन इसी इक्वेशन की सहायता से कोई प्लस माइनस नहीं कि ऊपर जाते इसमें माइनस जी या क्या नीचे आते इसमें प्लस जी या बिल्कुल ऐसा नहीं है, अलग अलग इक्वेशन अप्लाई करना है नो नीड एट ऑल, क्लियर है। तो बी के लिए हम यूज करते हैं फाइनल वेलोसिटी, अब हम लिख रहे हैं बी के लिए, तो बी का फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया वी बी, जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी बी, मतलब कि लिखेंगे माइनस वी बी, फाइनल वेलोसिटी भी हो गया माइनस वी बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्लियर है। बी का इनिशियल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, बी का इनिशियल वेलोसिटी कितना था यू, यू था इसका इनिशियल वेलोसिटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो दिस इज माइनस यू का स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस यू, क्लियर है। नाउ प्लस फॉर्मूला के हिसाब से प्लस टू ए एक्सेलरेशन, अगेन बी के लिए भी एक्सेलरेशन जी लग रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है मतलब माइनस जी, और B के लिए भी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया माइनस एच नीचे क्यों यहां से, क्लियर है। हाँ अगर ऊपर क्यों होता तो प्लस एच ले लेते, लेकिन फाइनल इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है H हुआ है डिस्प्लेसमेंट नीचे क्यों, ठीक है ना। तो दिस इज योर माइनस एच, क्लियर है। अगेन यहां से भी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा वी बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज यू स्क्वायर दिस इज माइनस माइनस प्लस टू जी एच। आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन से by 1 and 2 बहुत ही आपका क्लियर है, by 1 and 2 VA equals to VB, VA equals to VB, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसमें तीसरा मेथड इसका देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ऑब्वियस है पर्पस हमारा ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन नया आने वाला है एग्जाम में, एससी और मास सॉल्व करने का पर्पस होता है कंसेप्ट को क्लियर करना। तो कैसे ग्राफिकली इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड पता होना चाहिए। थर्ड मेथड जो कि आपका क्या हो गया ग्राफिकल, ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगेन सिचुएशन क्या था, आपने ए बॉल को इस तरह से फेंका, बी बॉल को इस तरह से फेंका, क्लियर है। चलिए ये भी यू स्पीड से, ये भी यू स्पीड से आप इसको फेंका, क्लियर। मान लेते हैं ये आपका एच हाइट था, ए का जो पाथ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, पाथ ऑफ मोशन जैसे जो वी ए, बी का हो गया वी बी। चलिए ठीक है, हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ऑब्वियस है क्यों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है तो देखना है, क्लियर है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर जब आप ड्रॉ करेंगे बहुत ही आसानी से ग्राफ से देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, जैसे जो वेलोसिटी एक्सिस जैसे जो टाइम एक्सिस, क्लियर है। नाउ ए के लिए अगर हम बात करें, ए का इनिशियल वेलोसिटी है यू, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्लियर है। मान लेते हैं यू मान ले 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड है तो कुछ उस टाइप से होगा, मान लेते हैं ये 10 20 30 40 50 लाइक दिस सपोज कीजिए, ठीक है ना। यहाँ से यू को मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से लेट यू इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा आप, ए का भी हम ग्राफ का बात कर रहे हैं तो ए का ग्राफ कैसा होगा, या ऑब्वियस ये एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ से शुरू होगा क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू जो है पॉजिटिव है, यू है अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया, दिस इज ओरिजिन,
वेलोसिटी एंड नेगेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गया, तो यहां से शुरू होगा। अब वेलोसिटी क्या है इसका, जैसे ही आप ऊपर की ओर इसको फेंकें इसका स्पीड जो है घटने लगेगा, स्पीड घटने लगेगा, लेकिन वेलोसिटी अभी यहां से यहां तक जाने के क्रम में ये हाईएस्ट पॉइंट तक वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, वेलोसिटी का वैल्यू घटते चला जाएगा, मतलब 50 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं तो 50 से 49, 48, 47, 33 घटते घटते यहाँ पे जीरो होगा, मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा वेलोसिटी का। देखिए स्पीड घटते चला जा रहा है, स्पीड घटते चला जा रहा है, स्पीड घटते चला जा रहा है, टाइम बढ़ते चला जा रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 5 लगे 1 सेकेंड पे इतना वेलोसिटी है देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर आगे आप बढ़ें वेलोसिटी घट गया, फिर आप आगे बढ़ें फिर वेलोसिटी घट गया यहाँ पर, फिर आप आगे बढ़ रहे, टाइम बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी घटते जा रहा है, वेलोसिटी घटते जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी है पॉजिटिव ही, अभी अपवर्ड डायरेक्शन में ही है यहाँ तक। और यहाँ देखिए स्पीड घटते 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 क्या हो गया, स्पीड यहाँ पे जीरो हो गया है, स्पीड जो है जीरो हो चुका है। और इसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी फिर ये ग्राफ जो है आगे की ओर इस तरह से बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा समझिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन को देता है, वही एक्सेलरेशन हमारा देता है, और एक्सेलरेशन फिक्स है इस तरह के मौसम में, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है हमेशा, उसका वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड उसका जो कि नीचे की ओर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि अगर आप कर्व कर दीजिएगा तो इसका तो स्लोप हमेशा चेंज होने लगेगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तो एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन चेंज होने लगेगा, जो कि ऐसा है नहीं यहाँ पे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी यहां से यहां तक स्पीड जो आपका जाते जाते घटते घटते जीरो हो गया, इसके बाद फिर मतलब जब ये नीचे की ओर आना शुरू होगा, मतलब यहां इस पॉइंट से आगे, अगर आप पी पॉइंट बात करते हैं इसको, इस पॉइंट से आगे मतलब कि वापस हाईएस्ट पॉइंट से जब ये नीचे की ओर आ रहा है, तब हम इसका ग्राफ अब यहां से शो कर रहे हैं आगे, फिर उसी रेट से, चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसी रेट से मतलब स्ट्रेट लाइन ये सिंपल आगे बढ़ता चला जाएगा, स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका स्पीड जो फिर बढ़ना शुरू होगा, देखिए फिर स्पीड यहां पर जीरो हो गया था, ये जीरो हो गया था, जीरो के बाद फिर स्पीड बढ़ना शुरू हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ गया, 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ, 3 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, लाइक दिस स्पीड बढ़ना मेरा शुरू हो गया, बढ़ते चला जा रहा है। चलिए ठीक है, बढ़ते बढ़ते ये कुछ मान लिया, सपोज कीजिए ये इस तरह से आगे बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका एक हम पॉइंट दिखा रहे हैं, जब अगेन मान लिया ये पॉइंट हम दिखा रहे हैं, ये पॉइंट हम दिखा रहे हैं, क्या बताए थे कि जितना स्पीड से आप फेंके u पॉजिटिव डायरेक्शन में, स्पीड इसका घटते घटते जीरो हुआ, फिर स्पीड बढ़ते 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 बढ़ते, फिर जब ये यहां पर आएगा, यहां से आते आते जब ये यहां पे आएगा, तो फिर इसका स्पीड u हो जाएगा, मतलब ये माइनस u हो जाएगा, देखिएगा इसका स्पीड माइनस u हो चुका है, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसके आगे का ग्राफ अब यहां से आगे बढ़ रहा है, क्लियर है स्टूडेंट। अब जब आप बी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, चलिए एक पहले खत्म कर लें, ये मान लिया आगे इस तरह से बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, मान लिया यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर दिया, ग्राउंड को समझिए कि यहाँ पे जाके ये हिट कर दिया, क्लियर है। जब ये ग्राउंड को हिट किया उस समय उसका स्पीड जो है मान लेते हैं ये माइनस भी है, देखिएगा ये ग्राउंड को यहां पर हिट किया, माइनस बी है स्पीड है, सेम यहां पर हम दिखा दिए, क्लियर है। नो बी के लिए अगर हम बात करें तो बी का जो शुरू हुआ था मोशन वो यू स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बी का जो ग्राफ है यहां से शुरू होगा, नेगेटिव से यहां से शुरू होगा, और बी का भी एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन था जी 10 मीटर पर सेकंड का, मतलब उसका भी स्लोप यही रहेगा, मतलब इस लाइन के पैरेलल ये इस तरह से बढ़ना शुरू होगा, ध्यान दीजिए यहां पे आके देखिएगा। अब क्या है कि दोनों का हाइट सेम है, डिस्टेंस सेम कवर किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो टाइम एक्सिस पर जो आपका एरिया बनता है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट देता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया हम बना रहे हैं, ये एरिया देखिएगा, ये ए का है, ए जब यहां से यहां जो गया तो कितना एरिया बनाया, ये एरिया बनाया, ठीक है ना, यही इसका वैल्यू होगा, इस एरिया का वैल्यू होगा h डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। और b देखिएगा, b जो यहां से यहां तक गया, अगर आप इसको
टाइम एक्सिस पर इस तरह से ड्रॉप करते हैं, तो ये जो एरिया बनाएगा ये भी, इसका भी वैल्यू होगा h, ये तो पक्का बात है। दोनों यहां से यहां तक तो सेम डिस्टेंस कवर किया, ए भी यहां से यहां तक में सेम डिस्टेंस कवर किया, बी भी सेम डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये एरिया और ये एरिया मेरा बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये और एरिया और ये एरिया तभी बराबर होगा जब बी का भी स्पीड यहां यहां पे आके सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब यहां पर माइनस वी भी सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी अलग हो गया, थोड़ा भी अलग हो गया, मतलब मान लीजिए इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा हो गया, इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा हो गया सपोज कीजिए, तो अब क्या होगा कि जैसे ही अब इसके आगे आप इस तरह से जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एरिया बढ़ जाएगा, ये एरिया बढ़ जाएगा, ये एरिया घट जाएगा, ये एरिया बढ़ जाएगा, ये एरिया घट जाएगा, मतलब कि फिर हाइट तो अलग अलग हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं, हाइट तो दोनों का सेम है। इसका मतलब पक्का बात है, इसका मतलब क्लियर बात है कि बी भी जो है, बी भी फाइनली यहीं पे आके स्टॉप करेगा, बी का भी ग्राफ, जो कि प्रूफ करता है कि दोनों का स्पीड सेम है। क्लियर क्वेश्चन, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये लेंदी लगे वीडियो कि एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से डील किया जा रहा है, तो अगेन आई रिपीट कि मैटर ये है, हमारा मोटो क्या है कि कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्वेश्चन तो नए आते हैं एग्जाम में, और दूसरा आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज कराएंगे अपने माइंड का ग्राफिकली या जनरल तरीके से, उतना ज़्यादा आप नए प्रॉब्लम को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपके लिए बेहतर है, आप इन चीज़ों को समझें। यहाँ पर एक चीज़ तो आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, दोनों का स्पीड हर हाल में सेम होगा। दूसरा एक बात और बताना चाहिए कि जाहिर सा बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए क्या होगा, शायद ये सब तरीका नया होगा, नए तरीके से ये बताया जा रहा है इन चीज़ों को, लेकिन ये सब बहुत ही आसान तरीका है, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत आसानी से आप क्या है ग्राफ को फ्रिक्वेंटली इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अरे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक बार में इस तरह से स्ट्रेट लाइन हुआ, स्पीड घटते चला गया, जीरो हो गया, बढ़ते चला गया यहाँ पे, इसके बाद ये इस तरह से मैंने ग्राउंड पे हिट किया। बी का क्या, वो तो नेगेटिव डायरेक्शन में शुरू हुआ है, सेम स्लोप है, जी का वैल्यू सेम है 10 मीटर पर सेकंड, इस पर ये भी इस तरह से इसके पैरेलली शिफ्ट करेगा। अच्छा, ये थोड़ा भी अगर आगे बढ़ा देंगे, समझिए इन चीज़ों को, थोड़ा भी आगे अगर हम बढ़ा देंगे तो एरिया तो फिर चेंज हो जाएगा, एरिया जब चेंज हो जाएगा तो एरिया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस पे तो डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब है कि दोनों सेम लेवल पे आना चाहिए, दोनों का फाइनल स्पीड सेम लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी आगे बढ़ेगा तो फिर एरिया चेंज, डिस्प्लेसमेंट चेंज, जो कि ऐसा है नहीं। तो बहुत आसानी से, क्योंकि पहली बार इन चीज़ों को आप देख रहे हैं तो थोड़ा टाइम भी लग रहा है, और बहुत धीरे से बेसिक तरीके से आपको हम समझा रहे हैं इसलिए भी टाइम लग रहा है, अदरवाइज इन चीज़ों पर जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत ही तेजी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लेशन, यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको और हम बताना चाहेंगे, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताना चाहेंगे, ये तो चलिए ठीक है कि आप सेम स्पीड से चाहे ऊपर की ओर फेंके चाहे नीचे की ओर फेंके, दोनों का स्पीड सेम है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो स्टूडेंट है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से हम लोग, ये आप लोगों को नोट करना चाहिए, कि इनफैक्ट आप किसी बॉडी को सर्टेन हाइट से मान लिया, ठीक है, किसी भी एंगल पर आप प्रोजेक्ट करें, किसी भी एंगल पे आप प्रोजेक्ट करें सब कुछ करें, बशर्ते दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। मान लेते हैं ये आप प्रोजेक्ट किए थीटा 1 एंगल पे और ये आप प्रोजेक्ट किए थीटा 2 एंगल पे, और भी सिचुएशन हो सकता है, या फिर थीटा 3 एंगल, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी एंगल पे आप प्रोजेक्ट करें सेम स्पीड से अगर, तो ये सारे जो हैं ग्राउंड को सेम स्पीड से, मान लेते हैं ये पहला वाला ए है, तो इसका स्पीड है, मान लीजिए पहला वाला 1 है, भी 1, दूसरा ये है, मान लेते हैं वी 2 स्पीड से अगर ये हिट करता है ग्राउंड को तो भी 1 बराबर वी 2 होगा। इन जनरल नॉट ओनली इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसा कि क्वेश्चन में था कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम स्पीड से फेंकते हैं, उसमें तो होगा ही, जैसा कि हम लोग देखें अब तक सेम स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा, इसके अलावा भी अगर इवन आप कुछ एंगल पर भी सेम एंगल सेम स्पीड से आप प्रोजेक्ट करेंगे तो भी स्पीड आपका सेम होगा। क्यों सेम होगा, देखिए बहुत आसानी से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये आपका 1 था, ये 2 था, ठीक है, चलिए अगर हम 1 के लिए बात करें, 1 के लिए पहले वाले के लिए बात करें, तो पहले वाले का देखिए वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos थीटा 1, ठीक है, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है,
यू साइन थीटा, यू साइन थीटा मान, ठीक है ना, पहले वाले के लिए। और दूसरे वाले के लिए कितना है? चलिए तो पहले वाले के लिए ऐसा करते हैं कि पहले वाले के लिए V1 हम लोग निकाल लेते हैं, जो कि आपका फाइनल स्पीड है। V1 फाइनल स्पीड है, ध्यान दीजिएगा, V1 फाइनल स्पीड। तो ये वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है, यू कॉस थीटा वन, यू कॉस थीटा वन जो होगा पहले वाले के लिए, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। यू कॉस थीटा वन बिल्कुल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चेंज करेगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चेंज करेगा। अगर आप वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट का वैल्यू यहां पर निकालना चाहते हैं, फाइनली फाइनली वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वी नॉट, ये इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मान लेते हैं, जब ये एच हाइट पे ये नीचे की वजह से आ गया, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट के लिए देखिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। जनरल क्या मेरे पास है इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ध्यान दीजिएगा। तो वेलोसिटी का फाइनली वाई कंपोनेंट, ये पहले वाले के लिए बात कर रहे हैं, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इनिशियली वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, दिस इज यू कॉस थीटा वन का स्क्वायर, दिस इज टू, एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है माइनस एच, ठीक है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट के लिए हम लोग ये इक्वेशन लिख रहे हैं, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, तो यहाँ पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इनिशियली कितना है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा वन, यू साइन थीटा वन, क्लियर है। तो फाइनली यहां से मेरा इसलिए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट फाइनली निकल गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस टू जी एच, प्लस टू जी एच। इसीलिए मेरा जो फाइनल वेलोसिटी वी वन है, वी वन जो फाइनल वेलोसिटी है, ये हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, दिस इज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है यू कॉस थीटा वन, यू कॉस थीटा वन, प्लस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस टू जी एच, प्लस टू जी एच, प्लस टू जी एच। यहां से ध्यान दीजिए, ये दोनों टर्म में यू स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आपका क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस टू जी एच। ध्यान दीजिए, सेम तरीके से जब आप टू के लिए इक्वेशन आप लिखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू, और ये टर्म हमेशा वन आ जाएगा, जिसके चलते फाइनली आपका जो वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। आप सेम तरीके से करके देखें, ठीक है। तो दूसरे वाले के लिए भी अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो आपका फाइनल जो वेलोसिटी मतलब वी टू जो निकलेगा, सिमिलरली सिमिलरली वी टू जो कितना स्पीड से दूसरे वाला जो ग्राउंड को स्ट्राइक किया है, इसका भी वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, यू स्पीड सबका सेम है, जी कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, तो सेम है। तो यहाँ से भी आप आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है कि आप सर्टेन हाइट से अगर डिफरेंट बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं अलग अलग एंगल पे लेकिन सेम स्पीड से, तो वो सारे ग्राउंड को सेम स्पीड से स्ट्राइक करते हैं, क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।